झुंझुनू के पिलानी से बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के पिलानी के गणेश कॉलोनी स्थित राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक पिलानी शाखा के प्रबंधक भंवरलाल शर्मा को मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैंक परिसर में घुसकर चाकू की नोक पर लूटने का प्रयास किया। बैंक शाखा प्रबंधक भंवरलाल शर्मा ने आपबीती बताई कि मंगलवार सुबह 9:10 के लगभग वे जब बैंक परिसर के मेन हॉल में घुसे, वैसे ही उनके पीछे पीछे एक अज्ञात व्यक्ति बैंक परिसर के हॉल में घुसकर उनके ऊपर चाकू तान दिया तथा उनसे 2 लाख रुपए की मांग की। अचानक उसी वक्त बैंक की महिला सफाई कर्मचारी बैंक शाखा परिसर में पहुंच गई। उसने मैनेजर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू ताने देखा तो चिल्लाने की कोशिश की। तभी मैनेजर की महिला सफाई कर्मचारी को चिल्लाते हुए कहा कि इसके हाथ में चाकू है। अज्ञात व्यक्ति हमारे चिल्लाने पर भाग छुटा। उसके पीछे वे भी दौड़ा तो तेजी से दौड़कर वह गलियों में घुस गया। मैंने उसी वक्त पिलानी पुलिस को सूचित किया। पिलानी पुलिस ने बैंक शाखा पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा पास पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा। पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बैंक प्रबंधक भंवरलाल शर्मा ने बताया कि बैंक द्वारा हम लिखित शिकायत पुलिस को भिजवा रहे हैं।